पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। करण, क्या हुआ बेटा? तुम टेंशन में क्यों है? क्या हुआ? तो ठीक है ना? करण, तो क्या बात हो गई? तू इतना इमोशनल क्यों है? राजवीर, राजवीर ठीक तो है ना? हाँ, राजवीर ठीक है माँ। बेटा, जब राजवीर ठीक है तो फिर तुझे क्या हुआ है? तू क्यों इतना उदास है? क्या हुआ? तू इतना खोया हुआ क्यों है? था नहीं डैड, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रीता की याददाश्त क्या गई है? ऐसा लग रहा है दुनिया से सब चीजें चली गई हैं। I'm confused। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। सच, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या? क्या समझ नहीं आ रहा? बता ना। डैड, हम सबको पता है कि प्रीता को कुछ याद नहीं है, उसकी याददाश्त चली गई है। उसने अब चीजों को अलग ढंग से लेना शुरू कर दिया, चीजों को अलग ढंग से समझना शुरू कर दिया। अब आज ही जैसे निधि को चक्कर आया, उसको वीकनेस फील हो रही थी, तो मैं उसको कमरे में ले गया, उसकी टेक केयर करने लगा। तो प्रीता को ऐसे लगने लगा जैसे मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। वो मुझसे कहने लगी कि तुम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी जोड़ी है, तुम कितने अच्छे पति हो, निधि कितनी अच्छी पत्नी है, तुम एक साथ कितने अच्छे लगते हो, कितने अच्छे आइडियल कपल हो तुम दोनों। उसे ऐसे लगने लगा है कि हम दोनों पति पत्नी है, जबकि निधि तो मेरी पत्नी भी नहीं है। डैड, मेरी पत्नी तो प्रीता है। फिर और जो जगह प्रीता को मैंने अपनी जिंदगी में दी है, प्रीता के जाने के बाद में वो जगह किसी ने भी नहीं ली, और ना मैंने किसी को अलाउ किया वहां पर जाने के लिए। तो फिर वही वो जगह कैसे ले सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर ने मुझसे स्पेसिफिकली कहा था कि प्रीता को कुछ याद नहीं दिलाना, उसे कुछ नहीं बताना पिछली लाइफ के बारे में। अगर मैं उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है कि उसके उसके दिमाग पर प्रेशर पड़े, उसकी तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है कि उसकी उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। और मुझे ऐसा नहीं करना, अदरवाइज मैं उसे सब चीज याद दिलाता, एक एक इंसिडेंस उसे याद दिलाता, उसकी याददाश्त वापस आ जाती। लेकिन मैं मजबूर हूँ, नहीं कर सकता वो सब कुछ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप सीन्स को रिक्रिएट करो, ताकि हो सकता है धीरे धीरे सही प्रीता को चीजें याद तो आने लगे। तो एक बार हम एक हवेली में गए थे जहाँ हम दोनों फंस गए थे, पूरी रात सब अंधेरा था वहां पर, हम दोनों डर गए थे वहां पे। तो वो सारा सीन मैंने रिक्रिएट किया अपने घर के स्टोर रूम में, लेकिन फिर भी प्रीता को कुछ याद नहीं आ रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं प्रीता को कैसे याद दिलाऊं कि जो कुछ उसके आंखों के सामने हो रहा है वो सच नहीं है, सच कुछ और है। वो मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।